हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विधिराज किचन। आज हम बनाएंगे मैकडॉनल्ड स्टाइल बर्गर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बर्गर के लिए टिक्की। टिक्की बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी: आलू, गाजर और मटर है, पोहा, कुछ सूखे मसाले। आलू को मैंने अच्छे से बॉईल करके, ठंडा करके ग्रेट कर लिया है। आप इसको मैश नहीं कीजिए, आप इसको ग्रेट कीजिए। मटर और गाजर को भी मैंने उबाल कर ग्रेट मैश कर लिया है। पोहा को अच्छे से भिगो कर मैश कर लिया है। आलू है 4 बड़े साइज के, तो लगभग ये मेजरिंग कप के हिसाब से 2 कप हुए। आधा कप ये मिक्स वेजिटेबल है, आधा कप पोहा। 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून अनियन पाउडर। अगर गार्लिक और अनियन पाउडर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश अनियन और गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च, चुटकी भर हल्दी और फ्राई करने के, इसको हमने सौते करने के लिए बटर यूज़ किया है। सबसे पहले इन मसालों को हम इकट्ठा पीस लेंगे। लगभग ये सब कुछ ही 1-1 टीस्पून है, सिर्फ काली मिर्च और लाल मिर्च आधा आधा टीस्पून है। आप इसको अपने अंदाज के हिसाब से भी कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार लिया है नमक। आप इसको मिक्सी की चटनी जार में भी घुमा कर ले सकते हैं। ये आपको परफेक्ट परफेक्ट मैकडॉनल्ड टिक्की जैसा स्वाद देगा। हमारा मसाला बनकर तैयार है। आइए हम टिक्की के लिए वेजिटेबल्स को सौते करते हैं। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा बटर लिया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल डालूंगी। गाजर और मटर लिया है। आप अगर बीन्स पसंद करते आप फ्रेंच बीन्स भी यूज कर सकते हैं। जितने भी लोहे की कढ़ाई लीजिए जैसे मैंने ली है, इससे स्वाद थोड़ा एनहेंस होता है। मैंने आलू और सब्जियों को अच्छे से सौते कर लिया है। सौते करने का रीज़न ये है कि इसमें अगर जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। अब हम इसमें पोहा डालेंगे और ये सूखा मसाला। हमने आलू और सब्जियों को मसल मसल कर नरम बना लिया था और इसके इस तरह के सिलेंड्रिकल शेप के 2 गोले बना लिए। एक बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने 2 बनाया है। अब हम इसे अच्छे से चिकना गोला बना लेंगे। क्लिंग फॉइल को इस तरह बिछाइए। अब हम इन गोलों को कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आप इनको बनाकर 1 हफ्ते के लिए डीप फ्रीजर में डाल सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जब मर्जी चाहे तब निकाल के आप इनकी टिक्की खा सकते हैं। इसे अच्छे से इसके किनारे पैक कर दीजिएगा। हमारे रोल्स बनकर तैयार है। अब मैं इन्हें फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख दूंगी कि ठंडे हो रहे। बर्गर बन बनाना शुरू करते हैं। आज हम मैदे से ही बर्गर बन बनाएंगे। बर्गर बन बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा। हमेशा मैदा या आटा जितना लेते हैं उसका 60% से 80% तक आपको लिक्विड लेना है। मैदे के लिए 60 to 70 काफ़ी होता है। तो 300 ml मैंने दूध लिया है। ज़रूरत के हिसाब से 100-150 ml पानी लगेगा अगर एक्स्ट्रा लगा तो। 3 टेबलस्पून भरकर मैंने मिल्क पाउडर लिया। मिल्क पाउडर का डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बर्गर बन सॉफ्ट बनते हैं। 3 टीस्पून शक्कर लिया है। स्वादानुसार नमक, मैंने 2 टीस्पून नमक लिया है। 500 ग्राम मैदा के लिए 5 ग्राम ईस्ट लिया है। जितना भी आप आटा या मैदा ले रहे हैं उसका 1% आपको ईस्ट लेना है। सबसे पहले हम शुगर में ईस्ट डालेंगे और गुनगुना पानी। पानी गुनगुना मतलब ना कि गर्म हो ना ठंडा हो, आप उसमें उंगली इंसर्ट करके रख सकते हैं। इस तरीके का गुनगुना होना चाहिए। इन तीनों को मिक्स करके हम किसी गर्म जगह पर 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए हमारा ईस्ट कितना अच्छे से फूल कर तैयार है। अगर आपका ईस्ट इस तरह से फूला है तभी उसका यूज़ करें, अदरवाइज इसको डिस्कार्ड कर दें। अगर ये फूला नहीं तो आपके बर्गर बन अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दूध में हम मिल्क पाउडर जो हमने 3 टेबलस्पून लिया है इसे घोल लेते हैं।
इसे हम आटे में भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध में ही अच्छी तरीके से घुल जाता है। इसके बाद हम आटे में नमक मिलाएंगे। इसमें आप यीस्ट डालिए, हमने इसे नाप कर लिया था, आप इसको पूरा पूरा डाल दीजिए। अब हम आटे को लगाना शुरू करते हैं। अब इसमें आप धीरे धीरे ये दूध मिलाना शुरू कर दीजिए। आपको आटा चिपचिपा गूंथना है, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। मैंने आटा लगा लिया है, इसमें मुझे 300 ml पानी लग गया है। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप इतना गीला आटा हैंडल नहीं कर पाते, आप इसे थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे प्लेटफॉर्म पर अच्छे से मसल मसल कर तैयार करूँगी। थोड़ा सा सूखा आटा मैंने डाल दिया है इसमें। अब आपको इसको घड़ी मिलाकर 15 मिनट के लिए थोड़ा सा तेल लगा लगा कर अच्छे से मसलना होगा। आटा इस तरह से गीला होना जरूरी है, जितना अच्छे से आटा गीला होगा उतने ही आपके बर्गर बन हल्के बनेंगे। अब हम इस आटे को घड़ी मिलाकर प्लेटफॉर्म पर 15 मिनट के लिए अच्छे से मसलेंगे। आटा मसलते मसलते मुझे 15 मिनट हो गए हैं। ये मैंने मैदे से बनाया है, अगर आप व्हीट के बनाना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे फॉलो कीजिए। सिर्फ उसमें आप पानी मत डालिए, दूध ही डालना है आपको पूरा पूरा। अब ये आटा रेडी है कि नहीं इसे कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, एक गोला निकाल लीजिए। अगर ये ऐसे स्ट्रेच हो रहा है, इसका मतलब आपका आटा अच्छे से बन गया है, बिना टूटे ये स्ट्रेच हो रहा है। बस अब हम इसको किसी गर्म जगह पर, प्रेफरेबली माइक्रोवेव को प्रीहीट या ओटीजी को प्रीहीट करके उसमें रख दीजिए। गर्मी के दिन है तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपका फूल जाएगा, ठंड के दिन है तो हो सकता है थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगे। आपको ऐसे इसको टक इन करना है और बाउल को अच्छे से तेल लगाकर, बड़ा बाउल लीजिए क्योंकि ये फूल कर अब दुगना हो जाएगा। अब इसे मैं क्लिंग फॉइल लगाकर रैप कर किसी गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। देखिए हमारा आटा फूल कर डबल हो गया है, डबल से भी ज़्यादा। अब हम इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और इसको पंच करेंगे। अब हम देखते हैं ये कितने ग्राम का है। 950 ग्राम का है। हमें एक बर्गर करीब करीब 120 ग्राम का एक करना है, तो हम इसके गोले बना लेंगे। ये बराबर मैंने 120 ग्राम लिया है। इस तरह से फोल्ड करना है। बर्गर बंस बनाने के लिए हमें मोल की जरूरत होती है, लेकिन अगर हमारे पास मोल नहीं है तो हम इस तरह के डब्बों में या फिर इस तरह के रिंग में बनाएंगे। आपके पास कोई भी फ्लैट वाले ऐसे डब्बे होंगे, आप उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। स्टील के भी चलेंगे, एल्युमिनियम के ही चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको दिखाने के लिए दो डब्बों में बनाऊंगी। और ये रिंग, ये कोई मोल नहीं कि मैंने घर पे रिंग बनाई है, इसको बनाना बहुत आसान है। आप इस तरह का कोई भी फ्लेक्सिबल सा मोटा सा कागज़ ले लीजिए। मैंने एल्युमिनियम फॉइल का जो डब्बा था उसी के ये स्ट्रिप्स काटे हैं, लगभग 1.5 इंच के स्ट्रिप होने चाहिए। आपको जस्ट इसको बस आपको इसे फॉइल कवर कर लेना है।
जो फ्लैट वाला पोर्शन है ये अंदर से आना चाहिए, इसको इसके अंदर डाल दीजिए। डबल किया, ये पिन एक्सपोज ना हो इसलिए हम इसमें इसे पैक कर देंगे ताकि पिन हमारे आटे को ना छुए। अब इस गोले को मैं इस रिंग के अंदर ऐसे डाल दूंगी। ये देखिए मैंने ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, अब मैं ऐसे रिंग रख दूंगी। बन गया हमारा बर्गर मोल्ड। मेरे सारे गोले बनाकर तैयार है, मैंने इन्हें रिंग के अंदर डाला है और इन्हें डब्बों के अंदर डाला है। अब हम इन्हें 1 से 1.25 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे, ये फूल कर डबल हो जाएंगे तब तक के लिए। ठीक, गोले फूल कर डबल हो चुके हैं, अब हम इन्हें मिल्क वॉश देंगे। ये काम आपको बिल्कुल हल्के हाथ से करना है क्योंकि अगर धक्का लग गया तो ये पूरा बैठ जाएगा। मैंने ओवन को 200 डिग्रीज पर प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है। अब मैं इसे 20 से 25 मिनट के लिए 200 डिग्रीज पर बेक करूंगी। मैंने इसे अच्छे से मिल्क वॉश दे दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, बर्गर बन का इफेक्ट जो आना चाहिए। अब मैं इसे ओवन में रख देती हूँ। मेरा कन्वेक्शन प्रीहीट हो चुका है। दो सौ डिग्रीज पर मैं 25 मिनट लगा दिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और ज़्यादा 5 मिनट बढ़ा दूंगी। हो चुके हैं, देखते हैं हमारे बर्गर बन बने हैं क्या। बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पर अच्छे से बटर लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से बटर लगाना है हमें। और एक किचन टॉवल को या मोटे से कॉटन के कपड़े को गीला करके इसे हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। मैंने बड़ी सी एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है, मोटे तले की कढ़ाई लीजिए। इसमें मैंने नमक डाला है, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो नमक, उसके ऊपर एक जाली रखी है और ढककर मैंने इसे 10 मिनट के लिए फास्ट आंच पर गर्म किया है। अब मैं इसे डब्बे रख दूँगी इस पर और इसे 15 मिनट के बाद मैं खोल के देखूंगी। गैस को हमें सिम और वेरी फास्ट के बीच में रखना है, यानी कि हमें मीडियम हीट पर इसे बेक करना है। देखते हैं अभी 15 से 20 मिनट के बाद। कढ़ाई में मुझे 20-25 मिनट हो गए हैं, अब देखते हुए है कि नहीं। वाह, देखिए बिल्कुल ओवन की कन्वेक्शन की ज़रूरत नहीं है। गैस को हम बंद कर देंगे, सेम प्रोसीजर करना है हमें। इस पर भी हम बटर अप्लाई करके इसे गीले टॉवल से ढक देंगे। अच्छे से बटर लगा दीजिए। ये कितने ज़्यादा फूले हैं देखिए। ऐसे नहीं है कि आपको ओवन की माइक्रोवेव की ज़रूरत है, आप कढ़ाई में भी बहुत अच्छे से ब्रेड बना सकते हैं। इन्हें मैं 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। हमारे बर्गर बन अभी ठंडे हो चुके हैं। इसको मैंने फॉइल को कैंची से काट के निकाल दिया है। देखिए कितने फ्लफी बने हैं। अब देखते हैं हम कढ़ाई के कैसे बने हैं। ये देखिए अभी कितना, ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है कढ़ाई का, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लफी हुआ है। देखिए आप कितना भी दबा दीजिए ये फिर से अपना फॉर्म पकड़ लेंगे। रोल हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको काटेंगे। फ्रिज में रखने की वजह से इन्हें काटना बहुत आसान हो जाता है। इसे फ्राई करने के लिए अब हम मैदे की स्लरी बनाएंगे। इसमें मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसका हमें एक पतला सा घोल बनाना है। मैंने कुछ ब्रेड क्रम लिया है, इसका हम कोटिंग करेंगे।
इसकी वजह से टिक्की कुरकुरी बनेगी। इस तरह से हमें सारी दो दो टिक्कियों को हम कोट कर लेंगे। स्लरी में मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालिए ताकि स्वाद और बढ़े। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। जी गर्म है। अब हम इस गर्म तेल में टिक्की को अच्छे से हाथ से कोटिंग दबा दीजिए। बर्गर बन भी बनकर तैयार है और टिक्की भी फ्राई कर चुके हैं। देखिए टिक्की कितनी करारी बनी है। अब हम असेंबल करेंगे। मैंने इसे आधा कट किया है, देखिए कितने सॉफ्ट बने। अब हम इसमें मेयोनीज लगाएंगे। ये बर्गर मेयोनीज है, अगर आपको बर्गर मेयोनीज ना मिले तो नॉर्मल मेयोनीज में आप चिली सॉस, थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल के बर्गर मेयोनीज बना सकते हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे टिक्की। मैंने कुछ टमाटर के रिंग्स, कुछ अनियन के रिंग्स काट कर रखे हैं। के ऊपर हम डालेंगे चीज स्लाइस। हमारा होममेड बर्गर बनकर तैयार है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसे घर में बनाना कोई मुश्किल बात तो है नहीं, इसीलिए हमेशा कहती हूँ, मैं आज भी कहूँगी, घर का बनाइए, शुद्ध खाइए, एंजॉय कीजिए।